आखिर आज वो शुभ घड़ी है जैसे 5 सालों से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। राम लला कब अपने घर में विराजमान होंगे। अयोध्या नगरी में तो राम उत्सव मन रहा है, लेकिन अयोध्या नगरी में राम के जो भाई हैं, यहाँ जो लखनऊ का लक्ष्मणपुरी है, तो लक्ष्मणपुरी को लेकर के यहाँ पे जगह जगह जो भव्य आयोजन हो रहा है, कहीं पे आपका जो झंडा यात्रा निकल रही है, कहीं पे आपका जो है आपका सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और कहीं भंडारा भी हो रहा है, और कहीं पे सारी चीजें भी हो रही है। झंडा यात्रा भी निकल रही, सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है, और साथ में भंडारा भी हो रहा है। तो इस समय हम लोग चौक में हैं, जैसे हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। पहले लखनऊ के अमीनाबाद में दिखाया, फिर हमने आपको पारा में दिखाया, फिर इंदिरा नगर में दिखाया, अब यहाँ पे हम लोग चौक में है। चौक में का मंदिर है, मंदिर में यहाँ पे भव्य आयोजन हुआ है जिसका नाम है ब्रह्मेश्वर मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से पूरा लखनऊ राममय हो गया है, तो क्या कहेंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम लोगों का ये ब्राह्मणी टोला है और यहाँ पे ये ब्रह्मेश्वर मंदिर है। हम लोगों ने आज यहाँ पे बहुत अच्छा उत्सव मनाया है। हमारी लक्ष्मी भाभी ने यहाँ पे मंदिर सजा जाके और एक दो लोगों ने कॉपरेट करके थोड़ा भंडारा वगैरह किया है। सभी लोगों ने उत्साह से बहुत गाना बजाना, ढोली मंगाया, सब लोगों ने बहुत उत्साह किया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है, जो हमारे लिए ये दिन आया है, जो 500 वर्ष के बाद प्रभु राम हमारे एक टेंट से एक महल में गए हैं। उनका जो असली हक था, आज वो उनको प्राप्त हुआ है। रघुनंदन पधारो अपने घर में, जगह जगह पे जो है बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। हमारे साथ में लक्ष्मी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। पहले लक्ष्मी जी से बात करेंगे, तो यहाँ पे जितनी महिला मंडल उनसे बात करेंगे। राममय होके कैसा लग रहा है? राम ही राम, सुबह से हो गई शाम, राम का नाम नहीं हो रहा है कम, तो क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। आज बहुत खुशी हो रही है, भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। जो हम लोग को बहुत दिनों से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। बोलो जय श्री राम। इंतजार की घड़ी हुई कम, अब होगा जय श्री राम का ही राम का नाम। तो क्या कहेंगे आप? पहले तो जय श्री राम, और उसके बाद आज हम लोग ने इतना उत्सव से मनाया है कि अपना घर द्वार सब भूल गए हैं। इतने उत्सव से मनाया गया है, बहुत खुश हैं। तो जहाँ पे आप सुबह से, हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से लोगों में एक अलग सा जोश उल्लास है। दीपावली तो अलग एक त्योहार है, लेकिन आज जो प्रमुख दीपावली है, जिसको लेकर के अभी शाम में दीप उत्सव भी होगा, तो हमारे साथ पंडित जी है। पंडित जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से ऐतिहासिक दिन है, सभी लोग भगवान में रंग में रंग गए हैं, तो क्या कहेंगे? जय श्री राम सभी को, बहुत बहुत राम राज्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बहुत ही हर्ष उत्साह हो रहा है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्यपाल जी ने जो भगवान का ये महल बनवाया है, हम सभी की 500 वर्ष की जो तपस्या थी उसको हम लोगों ने आज पूरा किया है। आज हमारा पूरा भारतवर्ष और पूरा ही विश्व भगवामय है। आज हम लोग अपने घर में उत्साह मना रहे हैं, ऐसे ही हम लोग सभी लोग एकता रहे, हम सभी उत्सव मनाते रहें। आज 22 जनवरी हम लोगों की एक आकस्मिक हो गई है, जो हम लोग हर वर्ष ये 22 जनवरी एक दीपावली की तरह सेलिब्रेट करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी, और सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। 500 सालों के संघर्ष के बाद आज इतना बड़ा हर्ष का दिन आया है कि पूरा लखनऊ एक साथ जुट हो करके सिर्फ राममय हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे साथ पार्षद जी अनुराग मिश्रा जी की श्रीमती जी विनीता मिश्रा जी हैं, वो दो शब्द कहें जी। विनीता जी बताइए। आज हम सब जय श्री राम, आज हम सब एक साथ दिवाली की तरह मना रहे हैं, क्योंकि राम हमारे टेंट से अब महल में आ चुके हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का दे रही हूँ, जो हमारी सरकार इतना सब कुछ करके हम लोग इतना खुश हो रहे हैं कि जय श्री राम। और भी कुछ महिलाएं पूरे साज सज्जा के साथ में यहाँ पे आई हैं, जैसा नहीं लगेगा कि हम त्योहार नहीं मना रहे, आज हम लोग सबसे बड़ा त्योहार मना रहे हैं, वो भी दीप उत्सव मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे?
देखिए आज दिवाली से कम उत्सव नहीं है, हम एक बार दिवाली मनाते थे जब भगवान को मतलब वनवास से भगवान आए थे इसलिए मनाई थी, आज फिर से दिवाली मना रहे हैं, इससे बड़ी भाग की क्या बात हो सकती है। हर घर भगवा लहरा रहा है, हर घर पे देखिए भगवे झंडे लहराए, मतलब हर घर पे रौनक है, लाइट सजी हुई है, इतना बड़ा त्योहार आज के दिन का है, सबके चेहरे पे देखिए हंसी खुशी है, सब सब जोश से बोलो जय श्री राम, एक ही नारा एक ही। जिस तरह से लोगों के मुख पे भी राम है, माथे पे भी राम है, हर जगह राम ही राम है, तो सब लोग राममय हो गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीता बने हुए थे, राम बने हुए थे। बेटा आप क्या बनी थी? सीता। राम कौन बने था? अच्छा बेटा आप राम बने थे। राम मैं बना था। जय सिया। तो छोटे छोटे बच्चों में भी एक अलग सा हर उल्लास है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं तो राम सीता लक्ष्मण सब बने हुए हैं। तो आज हम लोग आए थे चौक के ब्राह्मण टोला में जाके ब्राह्मेश मंदिर में जो भव्य आयोजन हुआ, राम मैं सब लोग हो गए। जिस तरह से हर उल्लास के साथ में आज उसको मनाया जा रहा है, जहाँ पे आप इस तरह देख रहे चौक में किस तरह से राम उसको मन रहा है, तो उसी के साथ में उस तरह से जय लक्ष्मी चौकी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।